हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लवसन ट्रिकी एजुकेशन। आज ओडिया मॉक टेस्ट 48 को प्रैक्टिस करियो। जो मैंने पूर्व मॉक टेस्ट गुड़िक देखे ना प्लेलीस्ट अच्छे जाइए देखिपारे। क्वेश्चन नंबर वन देखो, ऋणी शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्द अच्छे। ऑप्शन ए दानी, ऑप्शन बी अनऋण, ऑप्शन सी निर्धन, ना ऑप्शन डी अनृत। ऋणी शब्दर विपरीत शब्दी ऑप्शन बी अनऋण। ऋणी अनऋणी करेंगे, ऋणी हूँ अनऋण। ओके, ऑप्शन ए देखो दानी। दानी कौन हो दानी बदानी विपरीत शब्द हो कृपण। ऑप्शन सी निर्धन रहउछि धनी। ऑप्शन डी अनृतर विपरीत हो ऋत। एबे क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखिए चामिकर चामिकर शब्दर समर्थ बोधक शब्द बाछ। ऑप्शन ए सुना, ऑप्शन बी रूपा, ऑप्शन सी सुना खणी, ना ऑप्शन डी कुहा खणी। चामिकर शब्दर समर्थ बोधक शब्दटी होउछि सुना। सो एहर करेक्ट आंसर टी होउछि ऑप्शन ए सुना। सुना खणी हेबनी, रूपा हेबनी, किंबा कुहा खणी मध्ये हेबनी, चामिकर सुना। तले सुनार आउ कोन कोन प्रतिशब्द हेइ परिबो? सुनार होउछि हाटक, कांचन, सुवर्ण इत्यादि। एमाने होचंते गोटे गोटे सुनार प्रतिशब्द हिजिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री देछि कर्ता अनुसार कहार पुरुष वचन रे परिवर्तन होइथाय। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विभक्ति, ना ऑप्शन डी कारक। एहर करेक्ट आंसर टी हिजिबा ऑप्शन बी क्रिया। केमिति देखंतु, एग्जांपल नै जाउछि, पिलाटी पडिया रे खेळुछि। आउ गोटे एग्जांपल नउछि, पिला माने पडिया रे खेळुछन्ते। ताले ए दुइटी सेंटेंस रो आपण माने कोन लक्ष्य करि पारछन्ते? जेतेबेले तृतीय पुरुष एकवचन थिला, पिलाटी हूँ तृतीय पुरुष एक वचन, से खेलुची क्रियापदर खेलुची है। जितेबाला पिला मैनेगला से कौन खेलुची रहा कि खेलुंत हो गला, पिलाटी थी बेले खेलुची है क्रियापद, किंतु पिला मैंने से कौन है खेलुची आला कि नो खेलुंत हो गला। तेल कर्तार पुरुष वचन अनुसार तेल कहार परिवर्तन होची ना क्रियापदर परिवर्तन होची, खेळुची थिला खेळुछंते हि गला, बुझेला? सो एहर करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हेबनी, सी हेबनी, किंवा डी मध्ये हेबनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर देछि पद्मनाभ शब्दटी किपरि सृष्टि होइछि। ऑप्शन ए पद्मनाभिरे जहांकर से, ऑप्शन बी पद्मलाभ करिछंते जे से, ऑप्शन सी नाभि जहार पद्म परि से, ऑप्शन डी नाभिरु पद्म सृष्टि जहार से। पद्मनाभ शब्दटी एहर करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन ए पद्मनाभिरे जहांकर से होचंती पद्मनाभ। एवं ये होची गोटे बहुव्रीही समास, कहीं जहांकर अच्छी बहुव्रीही समास। कहीं देखो जहांकर अच्छी जहार जहांकर थिले बहुव्रीही समास होता है। मुझे आपको कही ऑलरेडी ताल देखु। एवं यह बहुव्रीही समास रे नाभि शब्दटा नाभरे समस्त पदरे नाभरे परिणत हो जाए। जेपरी अखी अक्षरे परिणत होता है बहुव्रीही समास रे, सेम थिंग नाभि शब्द नाभरे परिणत होता है समस्त पदरे। ऑप्शन बी पद्मलाभ करिछन्ते जे से हेबनी, ऑप्शन सी नाभि जहार पद्म परि से हेबनी, ऑप्शन डी नाभिरु पद्म सृष्टि जहार मध्ये हेबनाही। एबे क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव देछि विद्वान लोक माने सबुठारे आदर पांते रेखांगित पदटी की पद। ऑप्शन ए क्रियापद, ऑप्शन बी अव्यय पद, ऑप्शन सी सर्वनाम पद, ना ऑप्शन डी विशेषण पद। लोक माने विशेष पद जदि हला किपरि लोक माने सबुठारे आदर पांते ना विद्वान लोक माने, तो विद्वान होउची विशेष्य पद लोक मानको विशेषित करूची, सेति पई ये होउची गोटे विशेषण पद होइजबो। सो एहर करेक्ट आंसर टी होउची ऑप्शन डी। ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट होइजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देछि अनुलम शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्द बाछ। ऑप्शन ए प्रतिलम, ऑप्शन बी विलम, ऑप्शन सी सलम, ना ऑप्शन डी निलम। अनुलम शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटी होछि ऑप्शन ए प्रतिलम। ऑप्शन बी हेबनी, सी हेबनी, किंवा डी मध्ये हेबनाही। एबे क्वेश्चन नंबर सेवेन। क्वेश्चन नंबर सेवेन देछि कृत प्रत्यय शेषरे थाई जेउ शब्द गठित होइथाय ताकू कौन कहा जाए? कृत प्रत्यय शेषरे थाई जो शब्द गठित होता है कृदंत पद बोली कहा जाए। सो एहर करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए समास हेबनी, ऑप्शन सी तद्धित हेबनी, ऑप्शन डी संधि शब्द मध्ये हेबनाई। कृत प्रत्यय शेषरे थाई जो शब्द गठित होता है कृदंत पद बोली कहा जाए। कृत प्रत्यय कौन? कृत प्रत्यय होछि नुआ शब्द गढ़ापी धातु सहित जो प्रत्यय युक्त हुए कृत प्रत्यय बोली कहा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट देखिए व्याप्ति अर्थर व्यवहृत परिउपसर्ग आधारित एक शब्द बाछ। ऑप्शन ए परिसमाप्ति, ऑप्शन बी पर्याप्त, ऑप्शन सी परिसर, ना ऑप्शन डी परिव्याप्त। व्याप्ति अर्थर परिउपसर्ग लगता शब्द हूँ ऑप्शन डी परिव्याप्त। सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए एकाधिक बर्णमिशी अर्थ प्रकाश कले कौन कह जाए? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी लिपि, ना ऑप्शन डी शब्द। एकाधिक ध्वनि मिशी मुँ कहली घ, ताले घ गोटे ध्वनि, र गोटे ध्वनि। जितेबाला घर दुईटी ध्वनि मिश्रण रे कौन सृष्टि होची ना घर शब्दटे सृष्टि होची, ताले शब्द सृष्टि होला। एकाधिक वर्ण को नौचे स र
बत ताले सरबत सरबत ठार गोटे कौन है गोटे शब्द हो गला ताले एकाधिक वर्ण मिसी अर्थ प्रकाश कले शब्द बोली कह सो यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन डी शब्द जदि मु कहली र घ घर को उल्टे दिंतु रघ रघ माने कौन आपण माने किछ बुझि परचंत कि रघ कोनोसी अर्थ प्रकाश करू नाही किंतु किंतु दुईटी वर्णर मिलन रे रघ शब्द टी सृष्टि होची किंतु रघ को आमे गोटे शब्द कही परबा नाही काहे कि ना रघ कोनोसी अर्थ प्रकाश करू नाही। ओके ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 दिछि बद धातु व्यवहार करा जाउथवा उपसर्ग युक्त शब्द टी को बाछ बद धातु थिबो ऑप्शन ए अपवाद ऑप्शन बी अवस्थान ऑप्शन सी अपकार ऑप्शन डी आगमन। बद धातु होछि अप बद अ होछि अपवाद सो हियर करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन ए अपवाद। देखंतु अपवाद को भांगिले कोन हिजबो अप बद अ मिसले हिजबो अपवाद अवस्थान कोन हिजबो अवस्था न मिसले हिजबो अवस्थान ओ अपकार होछि अपक्रु अ मिसले हिजबो अपकार ऑप्शन डी देखंतु आगमन आगम अन मिसले हिजबो आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देछि गुणवाचक विशेष्यर गुण कहिले कोन बुझाय ऑप्शन ए भलो गुण ऑप्शन बी मंद गुण ऑप्शन सी उभय भलो मंद गुण ऑप्शन डी विशेष गुण। यार करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन सी उभय भलो एवं मंद गुण। केवल भलो गुण को आमे गुणवाचक विशेष कहिबानी किबा केवल मंद गुण को आमे गुणवाचक विशेष कहिबानी भलो गुण को भी आपण माने गुणवाचक विशेष कहि परिबे सेहि परि भाबरे मंद गुण को भी कहि परिबे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 दिछि दिन को राति करिबा रूढ़ीटर अर्थ निरूपण कर ऑप्शन ए एपट सपट हवा ऑप्शन बी अलटाइबा ऑप्शन सी सत को मिछरे परिणत करिबा ऑप्शन डी तिल को ताल करिबा। दिन को राति करिबा एहि रूढ़ीटर अर्थ होइजिबा ऑप्शन सी सत को मिछरे परिणत करिबा सेटा होछि दिन को राति करिबा ऑप्शन ए हेबनी ऑप्शन बी अलटाइबा हेबनी ऑप्शन सी देखंतु तिल को ताल करिबा माने छोटो को ताकु बड़ करिबा सेटा होछि तिल को ताल करिबा। ओके एबे क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देछि निम्नक्त मधेरु केउटी एक देशज शब्द ताले इमानक मधेरु देशज शब्द केउटी देशज शब्द डी होछि ऑप्शन बी खपरा खपरा होछि गोटे देशज शब्द ऑप्शन ए खातर खातर होछि गोटे आरबी शब्द ऑप्शन सी ग्लास खातर ग्लास आईन एम होंगे गोटे गोटे वैदेशिक शब्द किंतु खातर हूँ वैदेशिक शब्दर आरबी शब्द ऑप्शन सी ग्लास ग्लास हूँ गोटे इंग्राजी शब्द ऑप्शन डी आईन आईन हूँ गोटे पारसी शब्द। ओके एवं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए देहलगा रूढ़ीर अर्थ निरूपण कर ऑप्शन ए प्रिय व्यक्ति ऑप्शन बी अति प्रिय ऑप्शन सी अति विश्वासी ना ऑप्शन डी सब उड़ी देहलगा रूढ़ीर अर्थ होउछि ऑप्शन सी अति विश्वासी से होउछि देहलगा ऑप्शन ए प्रिय व्यक्ति हेबो नाही ऑप्शन सी अति प्रिय हेबो नाही अति प्रिय होउछि जपामाली ऑप्शन डी मध्य एलिमिनेट हिजबो। एबे क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 देछि अधिकार अर्थरे दार प्रत्यय जगरे गठित शब्द को बाछ ऑप्शन ए ऑप्शन ए मजादार ऑप्शन बी चौकीदार ऑप्शन सी जमीदार ऑप्शन डी दफादार। अधिकार अर्थरे दार प्रत्यय युक्त शब्द टी होउछि ऑप्शन सी जमीदार ऑप्शन ए हेबनी बी हेबनी किंबा डी मध्य हेबनी जी मोर तद्धितर कनसेप्ट वीडियो देखिनांती प्लीज देखिनेबे जानिपरिबे अधिकार अर्थरे दार प्रत्यय युक्त शब्द टी होउछि जमीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देछि द्रोणी एकर द्रोणीर समार्थबोधक शब्द बाछ ऑप्शन ए अश्वत्थामा एटा द्रोणी हर्षिकार हबो ऑप्शन बी जलकुंड ऑप्शन सी सान डंगा ना ऑप्शन डी कर्ण। द्रोणीर समार्थबोधक शब्द टी हिजबो ऑप्शन बी जलकुंड ऑप्शन ए देखंतु अश्वत्थामा अश्वत्थामा होउचंती द्रोणाचार्यंकर पुत्र होउचंती अश्वत्थामा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑप्शन सी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देछि क्रियापदर शेष को लगता वर्ण वर्ण समष्टि को कौन कह जाए ऑप्शन ए विभक्ति ऑप्शन बी धातु ऑप्शन सी क्रिया विभक्ति ना ऑप्शन डी कारक। क्रियापदर शेष को लगता वर्ण वर्ण समष्टि को विभक्ति बोली कह जाए सो यार करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन ए काहेकिना गोटे क्रियापद किपर सृष्टि होता है मूल धातु प्रथम थाए मूल धातु सहित गोटे काल सूचक विभक्ति लगी थाए तापर गोटे पुरुष तापर पुरुष वचन सूचक विभक्ति लगी थाए जो मैंने क्रिया पढ़ी जानते तापर आमर क्रियापद टी गठित होता है। ओके क्रियापद गठित होता है देखते गोटे एग्जाम्पल नहीं धर देवा ताले दे हूँ मूल धातु ब हूँ काल सूचक विभक्ति बरे हणत एवं पुरुष वचन सूचक विभक्ति होले दे बरे हणत युक्त अ मिसले कौन हो ना देव देव गोटे कौन हो गला देव हूँ गोटे क्रियापद हो गला देव कि क्रियापद ना भविष्य काल सूचक क्रियापद हो गला ब बा भी थी भविष्य काल होता है से करेक्ट आंसर टी होगा ऑप्शन ए विभक्ति। क्वेश्चन को आउ थे भल भाव पढ़ु क्रियापदर शेष को लगता वर्ण बा वर्ण समष्टि को ताले क्रियापदर शेष को कौन लगी देखो अ लगी
पुरुष वचन सूचक विभक्ति लगे अ से हूँ गोटे विभक्ति से क्लीयरली मेनसन करनी जे पुरुष वचन सूचक विभक्ति ऑप्शन सी देखिए क्रिया विभक्ति क्रिया विभक्ति किसी ना एमती ओके काल सूचक विभक्ति थाए ना पुरुष वचन सूचक विभक्ति थाए जेहेतु से क्वेश्चन क्रियापदर शेष को लगी वर्ण बा वर्ण समष्टि को कौन कहुई शेषर लगे देखो पुरुष वचन सूचक विभक्ति से यार करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 देछि जितेंद्रिय शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटि बाछ ऑप्शन ए अजितेंद्रिय ऑप्शन बी अइंद्रिय ऑप्शन सी इंद्रियासक्त ऑप्शन डी इंद्रजित। जितेंद्रिय शब्दर विपरीतार्थ बोधक शब्दटि हिजबो ऑप्शन सी इंद्रियासक्त ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 देछि आत्मज शब्दटि किपरि गठित होइछि ऑप्शन ए आत्मजन अ ऑप्शन बी आत्मा ज ऑप्शन सी आत्म ज ऑप्शन डी आत्मन ज अ कौन हिजबो आत्मज होउची आत्म जन अ मिसिले आत्मज होइथे एहार आंसर टी तथापि डाउट लागुची जदि जानिथिबे करेक्टली जदि आंसर टी ठीक जानिथिबे निहाते कमेंट माध्यम रे जानिबे ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देछि निम्नक्त मधुर केउटी एक पूर्णवाचक विशेषण ऑप्शन ए सात ऑप्शन बी आठ ऑप्शन सी दशम ऑप्शन डी पांच ऑप्शन ए बी सी देखो संख्यावाचक देखिए सात आठ पांच तेल यार करेक्ट आंसर टी हूँ ऑप्शन सी दशम दशम हूँ गोटे पूर्णवाचक विशेषण हो दशम सप्तम अष्टम षष्ठ एम होंगे गोटे गोटे पूर्णवाचक विशेषण विशेषण से आपने पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखिए उपवन शब्दी क्यों अर्थ में अवयभव समास ऑप्शन ए सादृश्य ऑप्शन बी क्षुद्रता ऑप्शन सी समीपन ऑप्शन डी पर्यंत बा आरंभ उपवन शब्दी सादृश्य अर्थ में अवयभव समास करेक्ट आंसर टी ऑप्शन ए सादृश्य देखो किपर है उपवन हूँ बनर सदृश बनर सदृश होउछि उपवन से सादृश्य अर्थ में उपवन शब्दी गठित होइछि ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एबे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 देइछि बास अर्थ रे उआ प्रत्यय जगरे गठित शब्द को बाछ ऑप्शन ए घरुआ ऑप्शन बी आषाढ़ुआ ऑप्शन सी काठुआ ना ऑप्शन डी अंधारुआ। बास अर्थ रे उआ प्रत्यय जगरे गठित शब्द टी हिजबा ऑप्शन ए घरुआ ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 देछि केउटी प्रासाद शब्दर प्रतिशब्द नुहे ऑप्शन ए हर्म्य ऑप्शन बी अटालिका ऑप्शन सी प्रसाद ना ऑप्शन डी राजगृह। यार करेक्ट आंसर टी होउछि ऑप्शन सी प्रसाद प्रसाद होउछि ठाकुरंक भोग बा देव भोग बोली कहा जायथे ओके किंतु ऑप्शन ए देखंतु हर्म्य ऑप्शन बी अटालिका ऑप्शन डी राजगृह एमाने होउछन्ति प्रसाद जोटा कि अटालिकार गोटी गोटी प्रतिशब्द होइजबे मने रखि नियंतु हर्म्य भी प्रसादर प्रतिशब्द होइजबो अटालिका मध्य प्रसादर प्रतिशब्द सेहिपरि भाबरे राजगृह मध्य प्रसादर प्रतिशब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 देछि तत्सम शब्दर अर्थ कौन ऑप्शन ए संस्कृत संगे समान ऑप्शन बी प्राकृत संगे समान ऑप्शन सी पाली संगे समान ना ऑप्शन डी अपभ्रंश संगे समान। तत्सम शब्दर अर्थटि हिजबा ऑप्शन ए संस्कृत शब्द सहित जो शब्दी समान होता है तत्सम शब्द बोली कहुई थे ऑप्शन बी हेबानी सी हेबानी कि डी मध्य हेबानी अपभ्रंश शब्द कौन अपभ्रंश हूँ तद्भव शब्द को अपभ्रंश शब्द बोली कहुई थे। एवं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखिए निम्नोक्त मधुर केउटी एक पूर्णवाचक विशेषण ऑप्शन ए सात ऑप्शन बी आठ ऑप्शन डी ऑप्शन सी दशम ऑप्शन डी पांच ए क्वेश्चन टी रिपीट होती यार करेक्ट आंसर टी होती ऑप्शन सी दशम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 देछि काकोली शब्दर समार्थ बोधक शब्द बाछ ऑप्शन ए काकध्वनि ऑप्शन बी पक्षीर राव ऑप्शन सी कुआ माने एकाठी हेबा ना ऑप्शन डी कोइलीर राव। काकोली होउछि पक्षीर राव को काकोली बोली कहा जायथे सो यार करेक्ट आंसर टी होउछि ऑप्शन बी ऑप्शन ए काकध्वनि हेबनी ऑप्शन सी कुआ माने एकाठी हेबा हेबनी किंबा ऑप्शन डी कोइली राव मध्ये हेबनै कुआ माने एकाठी हेबा बा कुआ मानकर समूह को काकाली बोली कहा जाए ओके काकाली किंतु काकाली होची पक्षी राव काकाली होची कुआ मानकर एकाठी हेबा माने कुआ मानकर समूह को ही काकाली बोली कहा जाए। एबे क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 देछि निम्नोक्त मध्यरु केउं विकल्प रे दरिद्र शब्दटि एक विशेष्य रूपे व्यवहृत होइछि तले दरिद्र केउं ऑप्शन रे गोटे केउं ऑप्शन रे दरिद्र शब्दटि एक विशेष्य पद रूपे व्यवहृत होइछि देखंतु देखिबा ऑप्शन ए दरिद्र उपहासित हुए ऑप्शन बी लोकटी दरिद्र ऑप्शन सी से जने दरिद्र व्यक्ति ऑप्शन डी भारी दरिद्र जन देखंतु एठारे दरिद्र जो अछि दरिद्र उपहासित हुए ताले ये होचे गोटे विशेष्य पद भाव रे व्यवहृत होइछि दरिद्र उपहासित हुए वाक्य रे सोहार करेक्ट आंसर टी होचे ऑप्शन ए
ଅପସନ୍ ବି ଲୋକଟି ଦରିଦ୍ର, ତାହେଲେ ଲୋକ ବିଶେଷ ଲୋକଟି କିପରି ନା ଦରିଦ୍ର, ତ ଲୋକ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, ଲୋକ କିପରି ନା ଦରିଦ୍ର, ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଗଲା। ସୋ ଇଏ ଯେହେତୁ ଲୋକ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ଦରିଦ୍ର ପଦଟି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶେଷ ପଦକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ଦରିଦ୍ର ପଦଟିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଯିବ। ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ ଅପସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରି ଦରିଦ୍ର ଜନ, ତାହେଲେ ଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ପଦ, କିପରି ଜନ ନା ଦରିଦ୍ର ଜନ, ସୋ ଦରିଦ୍ର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ବିଶେଷ ପଦ ଜନକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 28 ଦେଇଛି, ନାହିଁ କାର ଯାହାର ସମସ୍ତ ପଦଟି କ'ଣ ହେବ। ଅପସନ୍ ଏ ନାକାର, ଅପସନ୍ ବି ନିରାକାର, ଅପସନ୍ ସି ବେକାର, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଆକାର। କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନାହିଁ କାର ଯାହାର ତାର ସମସ୍ତ ପଦଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବେକାର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବନି, ବି ହେବନି, କିମ୍ବା ଡି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ନାହିଁ କାର ଯାହାର ସେ ହେଉଛି ବେକାର। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 29 ଦେଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି ଅସମାପିକା ହେବନି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଅସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ଦିଏ ବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ଏକକ କ୍ରିୟା ହେବନି, କିମ୍ବା ଅପସନ୍ ଡି ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 30 ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛ। ଅପସନ୍ ଏ ଆଲୋକ, ଅପସନ୍ ବି ଅନାଲୋକ, ଅପସନ୍ ସି ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ଅପସନ୍ ଡି ଝାପ୍ସ। ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ବି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖିବେ, ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାପସନ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଜଏନ୍ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।